बॉबी देओल के बेटे को ऑफर हुई इतनी बड़ी फिल्म, लेकिन कर दिया रिजेक्ट। जानिए वजह। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स की लॉन्चिंग चल रही है। आए दिन किसी ना किसी स्टार किड का डेब्यू हो ही जाता है। पिछले दिनों में देखा जाए कई स्टार्स के डेब्यू हो चुके हैं, वहीं इस साल भी कई स्टार किड्स की लॉन्चिंग होने वाली है। बीते दिनों से ही बॉबी देओल के बेटे के चर्चे खूब हो रहे हैं। दरअसल बॉबी के बेटे आर्यमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हुई है। बॉबी का बेटा आर्यमान भी अब बड़ा हो गया है। ऐसे में अब फिल्मी दुनिया में आर्यमान के डेब्यू की भी खबरें आने लगी हैं। हालांकि आर्यमान कब डेब्यू करेंगे ये अभी पता नहीं चला है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही आर्यमान भी डेब्यू करने वाले हैं। इतनी ही नहीं, हाल ही में आर्यमान को एक फिल्म भी ऑफर हुई है, लेकिन अफसोस आर्यमान ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी के बेटे को यशराज प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में अपने बैनर की एक बड़ी फिल्म का ऑफर दिया है, लेकिन आर्यमान ने ऑफर ठुकरा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि यशराज बैनर को लगता है कि आर्यमान में हीरो बनने के सारे गुण हैं। आर्यमान अपने पापा बॉबी की ही तरह बेहद हैंडसम दिखते हैं, इसीलिए उन्हें ये ऑफर भेजा गया था, लेकिन बॉबी को लगता है कि अभी उनके बेटे की उम्र पढ़ाई करने की है। बॉबी के मुताबिक आर्यमान को अभी डेब्यू के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद ही वो फिल्मों में कदम रख पाएंगे। अब साफ है कि बॉबी खुद नहीं चाहते हैं कि आर्यमान अभी इंडस्ट्री में आए। वैसे आर्यमान से पहले सनी देओल अपने बेटे करण देओल को लॉन्च कर रहे हैं। जल्द ही वो पल पल दिल के पास से डेब्यू करेंगे। वहीं आर्यमान की बात करें तो अभी से ही सोशल मीडिया पर छा गए हैं। वो अपने गुड लुक्स के चलते लड़कियों का दिल जीत रहे हैं। देखते हैं कि वो कब इंडस्ट्री में आते हैं।